हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज है विजयादशमी, तो सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो आज मैं आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके। खास करके उन बच्चों के लिए ये वीडियो रहेगा जिनका सपना है कि इंडियन आर्मी में जॉब करे अच्छी सी पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ग्रुप सी और डी दोनों ही तरह के पोस्ट है और डायरेक्ट आपका ये भर्ती रहने वाला है रैली के तहत। देखिए फ्रेंड्स, ये भर्ती निकल के आई है टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से। टोटल पोस्ट यानी कुल पद की बात करें ना तो 3100 के अप्रॉक्स सीट्स रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने तरह के, मतलब टोटल 9 टाइप्स के पोस्ट है। ग्रुप सी और डी दोनों ही तरह का रहेगा। तो हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं कि इसका कितना पोस्ट है, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या रहेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हर स्टेट में अभी आपको रैली भरती है। डायरेक्ट जहाँ पे रैली है वहां पे जाके कैसे क्या होगा ये सब आपको अब मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, किस किस डेट पे होना है, क्या सारा चीज रहेगा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना तो वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बता दूं आपको कि टोटल 9 टाइप के पोस्ट है। सोल्जर जीडी का रहेगा, क्लर्क का है, सेफ है, कुक मेस, सेफ स्पेशल जो सेफ होते हैं उनके लिए भी भर्ती है, हेयर ड्रेसर, हाउस कीपर, आर्टिजन, मेटलर्जी के लिए रहेगा, एंड लास्टली आपका टेलर के पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अगर हम लोग बात करें पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन यानी कि आपका क्या शैक्षणिक योग्यता है, तो देख लीजिए जो सोल्जर जीडी का पोस्ट है ना उसके लिए 10th पास के आपका होना चाहिए, मतलब कि आपने 10वीं पास कर रखा है और 45% कम से कम आपका 10th में होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट पोस्ट का क्राइटेरिया है। सेकेंड आपका क्लर्क है, इसमें क्या आपका 12वीं यानी आपने इंटर कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, तो ही आप क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल रहोगे। और हाँ, 12th में आपका कम से कम 60% होना चाहिए। बाकी के जो भी पोस्ट है यहाँ, सेफ कुक में, सेफ स्पेशल, हेयर ड्रेसर, हाउस कीपर, आर्टिजन, मेटलर्जी और टेलर, ये सब आपका 8वीं और 10वीं पास के लिए रहेगा। साथ ही साथ अगर किसी ट्रेड से आप भर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आप टेलर के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टेलर का काम आना चाहिए, आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो आप ट्रेड टेस्ट में पास हो गए तभी आपका यहाँ पर चयन हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 8th और 10th आपने पास कर रखा है तो आप एलिजिबल रहोगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ किन किन स्टेट के लिए भर्ती आया है और किस किस डेट को रैली रहेगा। देखिए फ्रेंड, वैसे ये ऑल इंडिया का भर्ती है, किसी भी राज्य में रैली रखा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए बिहार में रैली है तो इंडिया के अदर स्टेट के भी बच्चे, अगर आप इच्छुक है तो बिहार के रैली में भाग लेके वहां पर अपना चयन करा सकते हैं। देखिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड के लिए आपका भर्ती रहेगा। साथ ही साथ ये आपका रैली जो होगा उसमें फर्स्ट आप जाओगे जहाँ पे, वहाँ पे आपका फिजिकल वगैरह होगा, फिर एग्जाम आपका होता है रिटर्न एग्जाम, उसके बाद अगर आप किसी ट्रेड से भरोगे तो ट्रेड टेस्ट जो आपका होगा और डॉक्यूमेंट जांच और मेडिकल आपका होगा। पहले दिन जाओगे तो मेडिकल हो जाएगा, लेकिन जब आप दूसरे टाइम आपको बुलाया जाएगा ना तो री मेडिकल आपका होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आप समझ लीजिए कैसे क्या होगा। देखिए, तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस स्टेट का किस डेट को रैली रहेगा। और हाँ, अगर सेंटर की बात करें ना तो हर स्टेट का अपना अपना आर्मी हेडक्वार्टर्स होता है, कैंट होता है। जैसे कि बिहार में दानापुर कैंट है तो वहां पर आपका रैली ऑर्गेनाइज होगा। तो अदर अदर स्टेट में सबका अपना अपना सेंटर रहता है आर्मी हेडक्वार्टर्स, तो वो सेंटर आपको बाकायदा एड्रेस के साथ मेरे आपको टेलीग्राम चैनल के PDF में मिलेगा, तो देख लीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि अगर उड़ीसा का भर्ती है तो उड़ीसा के ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, बिहार में है तो वहां के बच्चे, नहीं, कहीं पर भी रैली है बकायदा अलग अलग डेट में रहेगा, तो आप उस डेट के अकॉर्डिंग उस राज्य के सेंटर पर चले जाइए अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, और जो PDF है ना उसमें एक फॉर्म भी मिलेगा, तो उसको प्रिंट करा के फॉर्म फिलअप करके और जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है सब लेके आपको सेंटर पे जाना रहेगा। तो डेट अगर बात करें उड़ीसा में कब है,
12 और 13 नवंबर 2024 को। तो इस डेट को याद कर लीजिए। अगर आप उड़ीसा से हो तो आपके लिए आसान यही रहेगा कि उड़ीसा वाले सेंटर पर ही आप जाके करो, ताकि दूर ट्रेवल करने में भी थोड़ी परेशानी हो जाती है। छत्तीसगढ़ के लिए 14 और 15 नवंबर को रहेगा। बिहार के लिए आपका 16 और 17 नवंबर रहेगा। एमपी यानी मध्य प्रदेश के लिए 18 और 19 नवंबर रहेगा। जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट है या फिर जो उत्तर प्रदेश में जाके अपना सिलेक्शन कराएंगे, उनके लिए क्या डेट रहेगा, 20 और 21 नवंबर। उत्तराखंड के लिए आपका 22 और 23 नवंबर रहेगा। झारखंड राज्य के लिए जो रैली होगा 24 और 25 नवंबर को रहेगा। और हाँ देखिए, ये स्टेट में आप इस डेट को अगर जाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर आपका सबसे पहले तो फिजिकल होगा, जिसमें आपका पीईटी और पीएसटी दोनों हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा। वापस से आपको फिर से हर कहीं पे, मान लीजिए कि हम उड़ीसा में जा कर के अभी एग्ज़ाम डीवी और सब करा के, तो फिर से हमको जाना है रीमेडिकल के लिए, अपना पेपर चेक कराने के लिए। अगर ट्रेड से फॉर्म भरते हैं, टेलर का है या फिर कुक का है, तो वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा कि खाना बनाने आता है कि नहीं, आपको टेलर का काम आता है कि नहीं, तो वो आपको कराने के लिए कब जाना होगा, 26 और 27 नवंबर 2024 को। तो इस डेट को याद रखेंगे, यहाँ आपको दोबारा से बुलाया जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको इस डेट को इस राज्य में जाना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा आपको पीडीएफ में सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको मैंने इससे रिलेटेड बेसिक जो इम्पॉर्टेंट डेट था किस स्टेट का वो बता दिया। अब चर्चा करते हैं इसके बारे में कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, सिलेक्शन का जो स्टेज है आपका 5 स्टेज रहने वाला है। फोर्थ स्टेज पे ही आपका दोनों चीज़ हो जाता है, और साथ ही साथ ये तीनों एक ही दिन आपका कराया जाता है। ठीक है, पहले फिजिकल होगा, फिर रिटेन एग्जाम होगा। ट्रेड टेस्ट आपका पोस्ट वाइज है, जैसा कि मैं बार बार कर रही हूँ कि सेफ है तो खाना बनाइए, कुक है तो खाना बना के दिखाइए, टेलर है तो आपको सिलाई कढ़ाई आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ एक दिन होगा, और पहले दिन जब जाइएगा फिजिकल होगा, उसके बाद रिटेन होगा। तो अब देखिए फिजिकल में क्या सब होगा वो तो हम लोग आगे जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि एज का लिमिट क्या रहने वाला है। देखिए 18 वर्ष से 42 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है तो वो प्रोवाइड किया जाएगा। और एग्ज़ाम का जो आपका पैटर्न है, डॉक्यूमेंट्स है, वो चीज़ें आपको पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ऐसे मोटा मोटी तौर पे सिलेबस में बता दूंगी, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं टोटल 9 टाइप का आपका पोस्टर है, तो थोड़ा उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप बात कर लेते हैं फिजिकल के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल जो होता है ना, उसमें सबसे पहले आपका हाइट मेजर किया जाता है, 160 यानी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। चेस्ट आपका 77 to 82 यानी 77 से 82, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। वेट कम से कम तो आपका 50 केजी होना चाहिए। उसके बाद आपका रनिंग 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर जो कि 1600 मीटर होता है वो रहता है। अब जैसा कि बताया कि 18 से 42 वर्ष के बच्चे अप्लाई करेंगे इस कैंडिडेट, तो उसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स कि अब सबका क्षमता एक बराबर नहीं होता, एज के साथ साथ इंसान का जो इफिशियंसी होता है वो घटता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट है उनके लिए जो टाइमिंग है ना 1.6 किलोमीटर का 5 मिनट और 45 सेकंड, मतलब 5 मिनट 45 सेकंड रहेगा। वही जो 31 से लेके 42 इयर्स के हैं उनको 6 मिनट एंड 30 सेकंड में आपको रनिंग कंप्लीट करना है। अब बात कर लेते हैं मोटा मोटी तौर पे, मैं एग्ज़ाम सिलेबस बताऊंगी। सारा जो पोर्शन है उसका आपको एग्ज़ाम पैटर्न प्रॉपर आपको पासिंग मार्क्स के साथ पीडीएफ में मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बस मैं इतना बता देती हूँ कि टोटल ये 5 सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा, लेकिन हर सब्जेक्ट हर पोस्ट के लिए नहीं रहेगा। जीके, साइंस, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर, यही 5 विषय से आपको अलग अलग पोस्ट के लिए रहेगा। अब मान लीजिए कि जीडी के लिए आप भरते हैं तो आपसे मैथ, इंग्लिश आपसे पूछ सकता है, रीजनिंग पूछ सकता है, इंग्लिश पूछेगा, तो वैसे ही सबका आपको ना प्रॉपर आपको पैटर्न मिल जाएगा पीडीएफ में। अब बात कर लेते हैं कि इन सारी पोस्ट के लिए आपको सैलरी क्या दिया जाता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे ग्रुप सी और डी दोनों ही तरह का है, तो आपका जो सैलरी होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 से शुरुआत होता है और बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक जाता है। मतलब 20,000 है
तो इसका मतलब ये नहीं ना कि कलर को भी 20,000 मिलेगा और जो कुक है उनको भी मिलेगा। तो जो आपका कुक है उसको 20,000 मिलेगा, जो कलर से ज्वाइनिंग करेंगे उनको 35-40,000 मिलेगा। आई होप कि ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, डाउट एंड कंफ्यूजन जो भी होगा। इस पोस्ट के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो सब चीज मैं बार बार बता रही हूँ कि PDF डाउनलोड करके पढ़िए, उसमें बकायदा लिखा हुआ रहेगा आपको एड्रेस, आपको क्या क्या सामान लेके जाना है अपने साथ में, डॉक्यूमेंट्स, कागज, आपका दस्तावेज, सब क्या क्या लगेगा, तो वो सब आप डाउनलोड करके पढ़िए और उसी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके वो सारी चीजें कर लीजिए और जिस डेट को जिस राज्य में दिया गया है रैली में पार्टिसिपेट करिए। आई होप कि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना आप, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।